कुछ दिनों पहले की बात है, रास्ते में एक पुराने दोस्त के माता पिता मिल गए। इधर उधर की कुछ बातों के बाद मैंने अपने दोस्त के बारे में पूछा तो एक ठंडी आंख भरते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें तो पता ही होगा कि अब वो एक IAS अधिकारी है और एक IAS अधिकारी के पास परिवार के लिए समय ही कहाँ होता है। अब तो ऐसा है कि हम भी कई दिनों तक उसका चेहरा भी नहीं देख पाते, ना जाने का समय फिक्स है और ना आने का। पहले जब ट्रेनिंग चल रही थी तब 2 साल ऐसे ही निकल गए। उस वक्त हमने सोचा कि ट्रेनिंग के बाद आराम से साथ में रहेंगे, लेकिन तब हमें क्या पता था कि ट्रेनिंग के बाद का समय तो और भी व्यस्त निकलेगा। खैर, थोड़ी और बातें करके वो चले गए और मुझे सोचता हुआ छोड़ गए कि आखिर एक IAS अधिकारी घर पर रहकर भी घर से दूर कैसे रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है कितने दिन तक अपने घर से दूर रहता है एक IAS। UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद एक सिविल सेवक का जीवन लबासना से शुरू होता है, हाँ, या जहां उसे आने वाले जीवन शैली के लिए तैयार किया जाता है। लबासना एक कम्प्लीटली रेजिडेंशियल फैसिलिटी है जहां सिर्फ प्रोबेशनर्स को रहने की अनुमति होती है। प्रशिक्षण के दौरान एक IAS अधिकारी का दैनिक जीवन बहुत अनुशासित होता है और सुबह 6 बजे से शुरू होता है। लबासना में आमतौर पर निम्नलिखित शेड्यूल का पालन किया जाता है, सुबह 6 बजे 60 मिनट के लिए सुबह का व्यायाम, घुड़सवारी प्रशिक्षण, 7 बजे से 9 बजे सुबह की गतिविधियों के लिए खाली समय, सुबह 9:30 बजे से व्याख्यान, खेल और पठ्योत्तर गतिविधियों सहित 8 से 10 घंटे की शैक्षणिक गतिविधि, बाहरी गतिविधियां जैसे कि आसपास की ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेनिंग करना ताकि वो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना सीख सके और ग्रामीण भारत की जीवन शैली को भी समझ सके, प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग है। लबासना की ट्रेनिंग के बाद उन्हें फील्ड ट्रेनिंग और भारत दर्शन के लिए भी ले जाया जाता है। इन सब में करीब 2 साल का समय लगता है। इस बीच एक बार कुछ दिनों के लिए ट्रेनीज को घर जाने की अनुमति भी दी जाती है, जिसके बाद उन्हें प्रोबेशन में एक अपने असाइनमेंट के लिए रिपोर्ट करना होता है और यहीं से शुरू होती है एक IAS अधिकारी की असल जिंदगी। एक IAS अधिकारी का ऑफिशियल वर्किंग आवर सुबह 9 बजे या 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक होता है। हालांकि हैवी ड्यूटी और जिम्मेदारियों के कारण उनके काम के घंटे रात 8 बजे या 9 बजे तक भी बढ़ाए जा सकते हैं और ऐसा अक्सर उनके साथ ही होता है। किसी दिन काम के घंटे 14 घंटे प्रतिदिन तक चल सकते हैं, जो काफी एग्जॉस्टिंग होता है। संक्षेप में, प्रति सप्ताह उनसे औसतन 17 से 80 घंटे काम करने की अपेक्षा की जाती है। इसीलिए एक IAS अधिकारी के काम के घंटे में कोई निश्चितता नहीं होती। एक IAS अधिकारी की यात्रा के शुरुआती दिन अधिक व्यस्त होते हैं क्योंकि इस समय में युवा और उत्साही होते हैं, इसीलिए वो एजिलिटी के साथ कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। उन्हें अपने क्षेत्र में होने वाली किसी भी कॉल और आपात स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इनकी व्यस्तता इतनी ज्यादा होती है कि उनका जीवन वर्क लाइफ बैलेंस से ज्यादा वर्क वर्क बैलेंस बन जाता है। ज्यादातर SDM सब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और DM डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस चरण से गुजरते हैं। मेगा इवेंट्स जैसे कि चुनाव के समय, आपदाओं और कानून और व्यवस्था की स्थितियों के दौरान काम के घंटे में जबरदस्त वृद्धि होती है। यहाँ तक कि अप्रूव्ड छुट्टियां भी रद्द कर दी जाती हैं और अगर किसी के पास पहले से टिकट बुक है तो उसे कैंसिल करवाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। कई बार निर्धारित ड्यूटी को संभालने के लिए परिवार से दूर रहना पड़ता है। दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य करना, किसी विशेष क्षेत्र का निरीक्षण करना, कानून का प्रबंधन और नीतियां सभी फील्ड पोस्टिंग के चरण के दौरान एक निश्चित कार्यक्रम के बिना किए जाते हैं। अच्छी बात तो ये है कि फील्ड पोस्टिंग समाप्त होने के बाद सचिवालय में जाकर उनका जीवन काफी स्थिर हो जाता है। तब दिनचर्या निश्चित हो जाता है, यानी प्रतिदिन 8 से 9 घंटे और एक सप्ताह में 5 से 6 वर्किंग डेज। जब किसी के पास समाज की बेहतरी के लिए ऊर्जा और समर्पण हो तो वो सब कुछ
संतुलित कर सकता है और सिवाय एक आईएएस अधिकारी के शायद किसी अन्य में ऐसा करने की शक्ति नहीं है। तभी तो कहा जाता है कि एक आईएएस अधिकारी की सुविधाएं तो बहुत मिलती हैं, लेकिन उन सुविधाओं का लाभ सिर्फ उसके परिवार के लोग ही ले पाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।